इश्क है ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे, शाज़िया बिसरा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी शादी हारिस से हो जाती तो मैं तुम्हें खो देता और मैं किसी सूरत पर भी कबूल नहीं कर सकता कि तुम किसी और की हो जाओ। क्या तुम अब भी मेरी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई? इसरा बड़े ही गुस्से के साथ शाज़िया से कहती है कि तुम मेरी खुशियों के कातिल हो। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। मोहब्बत के नाम पर तुमने मेरे वालिद को छीन लिया और मेरे खानदान की बदनामी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। और एक और बात, चाहे तुम मेरा दिल जीतने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो मोहब्बत थी वो तुमने अपने रवैये की वजह से खत्म कर दी। दूसरी तरफ अगर बात करें शाज़िया की वालदा की, जो अब तक इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं, शाज़िया कैसे इस तरह से शादी कर सकता है। वो रजा से कहती है कि हमें शाज़िया से ये तवक्को नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मैंने एक छोटी सी ख्वाहिश तो उससे की थी कि वो निमरा से शादी कर ले, लेकिन उसने अपनी जिद में तुम्हारी खुशियों को भी छीन लिया। तुम्हारी शादी भी समीरा से नहीं हो सकी। रजा कहता है कि अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं समीरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आप कुछ भी करके समीरा को मेरी जिंदगी में वापस लाएं, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ।